हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम मुजफ्फर है और मेरे साथ मुजम्मिल। तो आज हम BTS के मोस्ट डेंजरस डांस मूव देखने लगे हैं। मोस्ट डेंजरस डांस मूव, तो ये जब स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डेंजरस होते हैं, रिस्की मूव्स होते हैं, तो BTS के जो मेंबर हैं ये रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो इनकी यूनिक क्वालिटी है कि जिसकी वजह से ये फेमस भी हैं और पॉपुलर भी हैं, क्योंकि ये टैलेंटेड भी हैं। तो इनके जो मूव्स होते हैं काफ़ी अमेजिंग किस्म के होते हैं। सिंगिंग के साथ इनका जो डांस है उसे काफ़ी पसंद किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए व्यूअर्स हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये काफी वो था, चोट आने का खतरा होता है इस तरीके से वो। हवा में ट्रन किया है, ये काफी डिफिकल्ट था, रिस्की होता है ये। ब्यूटीफुल अमेजिंग। ये मैं जीमन था ऐसे ही है। तो मामूली चोटें तो लगती होंगी इसके दौरान। ओए 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 सॉन्ग है ये। ये भी काफी मुश्किल था। कर सकती हो अपनी पूरी बॉडी का वेट रख के आगे की तरफ झुकना, ये आसान तो नहीं है। ओए ओ ये क्या चेयर्स है? ब्यूटीफुल यार। वैसे ये बहुत ज्यादा करते हैं यार, पूरे अपने वेट को आगे की तरफ फोर्स करके और नीचे की तरफ और झुकना, तो इम्पॉसिबल सी बात है। यहाँ पर सीधा सर नीचे लगेगा आके। ओह माय गॉड, ये वैसे क्या था? इतनी लचक बॉडी के अंदर, अमेजिंग यार। बाजू को मूव कर रहा था। ओए
मैजिक है यार। सुपर ओ अच्छा ऐसे करते हैं जिससे कितना इजी है। मैजिक है भाई। ओह माय गॉड म्यूजिशियन है।내리고 있는데요. 약간 보니까 되게 얼굴이 감독님의 말씀이 마음에 드네요. 정말해. 너는 정말 총권이구나. 절대 우에 एकदम पीछे की तरफ जो है अपने पूरे वेट को पीछे की तरफ करना। ये शूटिंग का कोई मूड है मेरे ख्याल से। ये ऐसे नहीं जैसे हवा के अंदर है। ये क्या कर ओ वहां पर ही स्टॉप हो गया है। मैजिक है यार। ओ मार्शल आर्ट के प्लेयर लगते हैं ये तो। जी गाइज हमने वीडियो देखी है। वीडियो के अंदर काफ़ी अमेजिंग किस्म के हमें मूव्स देखने के लिए मिले हैं और ये काफ़ी डेंजरस थे और इसके अंदर जितने भी मूव्स देखे हैं इनमें से कोई भी इजी नहीं था। देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ही कोई मार्शल आर्ट के जो हैं यानी कि जिमनास्टिक और मार्शल आर्ट के जो हैं प्लेयर्स हैं और वो मूव्स कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के मूव्स थे और इनमें से कोई भी मूव्स इतना इजी नहीं था। एक जब अपने वेट को यानी कि सारे वेट को आगे की तरफ झुका कर वो जब नीचे को गिरते हैं और उसके बाद खड़े होते हैं तो वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट था बीच में। फिर एक बैक के ऊपर भी हमने देखा कि बैक के ऊपर अपना जो वेट था वो सारा एक तरफ करके वहाँ पर वो डाउन होते हैं
और एक के अंदर हमने बाजुओं को मूव करते देखा एक मेंबर को, वो असल में मेरा फोकस ही नहीं किया कि वो कौन था बीच में। तो वो BTS का एक मेंबर था, वो अपने बाजू को जो मूव कर रहा था वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट और डेंजरस था। तो ओवरऑल ही जितने हमने मूव्स देखे हैं तो इसमें हमने जहाँ तक देखा कि इसमें जो ओवरऑल है ना 7 के 7 मेंबर हैं ये सारे ट्रेंड हैं, यानी कि इस आर्ट के अंदर ट्रेंड मेंबर्स मुझे लग रहे थे जहाँ तक मैंने यहाँ पर नोटिस किया है। क्योंकि इसमें सभी कहीं पर जीमन के कुछ हमें मूवमेंट्स देखने के लिए मिले, वी के हमने देखे हैं, जोंगकॉक हमें नज़र आया, फिर इसके अलावा RM कुछ मूव्स करते वो हमें देखा है कि वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट मूव कर रहा था। बाकी मुजम्मत से पूछते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी, तो मतलब कि इजी नहीं होता जिस तरह से मतलब कि वो कर रहे थे, काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब ऐसा लगा जैसे मैजिक मतलब कि मैजिक ही लग रहा था एक हिसाब से, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ट्रेनिंग होती है, पता नहीं सालों से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि BTS जो है काफ़ी ओल्ड है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि एक तो वहाँ पर ना जो कोरियंस होते हैं, चाइनीज होते हैं, जापान होता है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है उसकी मार्शल आर्ट की, तो बचपन से ही कुछ ट्रेंड होते हैं स्कूल लेवल के ऊपर, ये एक सिलेबस के तौर पर इन्हें ट्रेंड किया जाता है। और तो, इसके अलावा कुछ टेबल लगाए थे, चेयर लगाई थी, उनके ऊपर ही मतलब के कर रहे थे। हाँ तो वो काफ़ी डिफिकल्ट किस्म के मूव थे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको कौन सा मूव पसंद आया अपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।